यह पुस्तक बड़े प्यार से समर्पित है मेरी प्यारी पत्नी बॉनी ग्रे को उसके प्रेम समझदारी और शक्ति ने मुझे बेहतर बनने के लिए प्रेरित किया और यह भी सिखाया कि हम साथ साथ सुखी कैसे रह सकते हैं मेरी बेटी लॉरेन को पैदा हुए सिर्फ सात दिन ही हुए थे मैं और मेरी पत्नी बॉनी बुरी तरह थके हुए थे हर रात लॉरेन हमें सोने नहीं देती थी बॉनी को दर्द की दवा लेना पड़ती थी चलने फिरने में भी उसे दिक्कत होती थी पांच दिन तक घर पर उसकी देखभाल करने के बाद मैंने सोचा कि अब उसकी हालत पहले से सुधर गई है और इसलिए मैं ऑफिस चला गया जब मैं ऑफिस में था तो बॉनी की दर्द की गोलियां खत्म हो गई बजाय इसके कि वह ऑफिस में फोन करके मुझे बताती उसने मेरे भाई से गोलियां लाने के लिए कहा जो उसके हालचाल पूछने गया था भाई भूल गया और लौटकर नहीं आया नतीजा यह हुआ कि पूरे दिन बौनी दर्द से कराहती रही और अकेले ही बच्ची को संभालती रही जब मैं लौटा तो वह बुरी तरह दुखी थी मैंने सोचा शायद वह अपनी तकलीफ के लिए मुझे जिम्मेदार ठहरा रही थी मुझे लगा वह अपनी परेशानियों के लिए मुझे दोष दे रही थी उसने कहा मैं पूरे दिन दर्द से तड़पती रही मेरी दर्द की गोलियां खत्म हो गई थीं मैं बिस्तर से उठ नहीं सकती और किसी को मेरी परवाह नहीं है मैंने रक्षात्मक अंदाज में कहा तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया उसने जवाब दिया मैंने तुम्हारे भाई से गोलियां लाने के लिए कहा था परंतु वह भूल गया मैं सारा दिन उसके लौटने का इंतजार करती रही मैं इसके सिवा कर भी क्या सकती थी मैं तो बिस्तर से हिल भी नहीं सकती मैं बहुत अकेली महसूस कर रही हूं इस बिंदु पर मैं फट पड़ा उस दिन मेरा पारा भी चढ़ा हुआ था मैं इसलिए गुस्सा था क्योंकि उसने मुझे फोन नहीं किया था मैं इसलिए गुस्सा था क्योंकि जब मुझे उसके दर्द का पता ही नहीं था फिर वह मुझे दोष क्यों दे रही थी कुछ कटु शब्द कहने के बाद मैं दरवाजे की तरफ पढ़ा मैं थका हुआ था चिड़चिड़ा था और मैं और ज्यादा शिकायतें नहीं सुनना चाहता था हम दोनों ही अपना आपा खो चुके थे फिर ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी बॉनी ने कहा जरा ठहरो प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ इसी वक्त तो मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है मैं दर्द से तड़प रही हूं मैं कई दिनों से सोई नहीं हूं प्लीज मेरे पास बैठकर मेरी बात सुनो मैं एक पल ठहर गया उसने कहा जॉन ग्रे तुम बड़े मतलबी दोस्त हो तुम केवल अच्छे वक्त के साथ ही हो जब तक मैं अच्छी और प्यारी बोनी हूं तब तक तो तुम मेरे आगे पीछे घूमते रहते हो परंतु जब मैं परेशान या दुखी होती हूं तो तुम मुझे छोड़कर चल देते हो फिर वह थोड़ा ठहरी और मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे उसने कहा अभी मैं कष्ट में हूं मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है इसी वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है प्लीज यहां आओ और मुझे थामो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि तुम मुझे बाहों में ले लो प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया वह मेरे कंधे पर सिर रखकर रोती रही कुछ मिनट बाद उसने मुझे धन्यवाद दिया कि उसके मुश्किल समय में मैं उसे अकेला छोड़कर नहीं गया था उसी क्षण मैंने प्रेम का सच्चा अर्थ समझना शुरू किया बिना शर्त का प्रेम मैं अपने आप को अच्छा प्रेमी समझा करता था परंतु शायद मेरी पत्नी सही कहती थी मैं मतलब ही इंसान था मैं केवल अच्छे वक्त का साथी था जब तक वह खुश और बढ़िया रहती थी मैं उसे बदले में प्रेम देता था परंतु जब वह नाखुश या अपसेट रहती थी मुझे ऐसा लगता था जैसे वह मुझे दोष दे रही है और फिर मैं या तो बहस करने लगता था या उससे दूर चला जाता था उस दिन पहली बार मैं उसे छोड़कर नहीं गया मैं ठहर गया और इससे मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ जब उसे सचमुच मेरी जरूरत थी तब मैं उसे प्रेम दे रहा था यही तो सच्चे प्रेम का अर्थ था जब मुझे रास्ता दिखा दिया गया तो मेरे लिए प्रेम करना कितना आसान हो गया मैं यह अपने आप क्यों नहीं समझ पाया उसे सिर्फ़ यह चाहिए था कि मैं उसे बाहों में ले लूं ताकि वह मेरे कंधे पर सिर रखकर रो सके शायद दूसरी महिला अपने आप समझ जाती कि बॉनी को क्या चाहिए था परंतु चूंकि मैं एक पुरुष था इसलिए मुझे यह पता नहीं था कि छूना आलिंगन करना बाहों में लेना उसकी बात सुनना उसके लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण था मेरे और उसके बीच के अंतर को जान लेने के बाद हमारे बीच के संबंध और मधुर हो गए इससे मुझे इस बात की प्रेरणा भी मिली कि मैं इस विषय पर शोध करूं कि पुरुष स्वभाव और महिला स्वभाव में क्या अंतर होते हैं सात साल के शोध के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पुरुष अलग तरह से सोचते हैं महिलाएं अलग तरह से और दोनों के बीच विवाद अक्सर इसी कारण होते हैं क्योंकि दोनों को ही अपनी भिन्नताओं का पता नहीं होता जब मैंने सेमिनारों में इस बारे में विस्तार से बताया तो हजारों शादियां टूटने से बच गईं लोग मुझे धन्यवाद देते हैं कि मैंने उनकी शादी टूटने से बचा ली सच तो यह है कि प्रेम के कारण उनकी शादी बच गई परंतु यह भी सच है कि अगर उन्हें अपोजिट सेक्स के सोचने के तरीके की जानकारी नहीं होती तो उनमें निश्चित रूप से तलाक हो जाता हालांकि सभी इस बात पर सहमत हैं कि पुरुषों और महिलाओं में भिन्नता होती है परंतु वे कितने भिन्न होते हैं यह ज्यादातर लोग नहीं जान पाते मैंने पच्चीस हजार लोगों के सर्वे के बाद यह खोज ही लिया कि महिला और पुरुष कितने और किस तरह भिन्न होते हैं बहुत सारे लोग अपने वैवाहिक जीवन में संघर्ष करते रहते हैं उनके जीवन में इतना तनाव द्वेष और झगड़ा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वे एक दूसरे को नहीं समझ पाते हालांकि वे अपने पार्टनर से प्रेम करते हैं परंतु जब तनाव होता है तो वे नहीं जानते कि ऐसे समय माहौल को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है जब आप यह जान लेंगे कि महिलाएं किस तरह सोचती हैं व्यवहार करती हैं किस तरह प्रतिक्रिया करती हैं तो आप उनसे बेहतर रिश्ता बना सकेंगे पुरुष और महिलाएं न सिर्फ अलग अलग तरीकों से बोलते हैं बल्कि वे अलग अलग तरीकों से सोचते महसूस करते देखते प्रतिक्रिया करते प्रेम करते तारीफ करते हैं ऐसा लगता है जैसे वे अलग अलग ग्रहों से आए हैं उनकी भाषाएं अलग हैं और उन्हें अलग अलग चीजों की जरूरत होती है भिन्नताओं को समझ लेने के बाद हमारे लिए अपोजिट सेक्स को समझना आसान हो जाता है हमारी गलत फहमियां दूर हो जाती हैं हम सामने वाले से जो अपेक्षाएं रखते हैं उनमें भी सुधार हो जाता है जब आप यह जान लेते हैं कि सामने वाला आपसे उतना ही अलग है जितना कि कोई दूसरे ग्रह का प्राणी तो आप उसे बदलने की कोशिश नहीं करते बल्कि निश्चित होकर उसके साथ सहयोग करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पुस्तक में आपको हर जगह वैवाहिक समस्याओं को सुलझाने के प्रैक्टिकल तरीके मिलेंगे विवाह में समस्याएं तो रहेंगी क्योंकि पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं और महिलाएं शुक्र ग्रह से आई हैं परंतु अगर आप अपने बीच के अंतर को समझ लें तो आपकी आधी समस्याएं तो अपने आप ही दूर हो जाएंगी इस पुस्तक के बारे में इकलौती आलोचना यही हुई काश आपने हमें यह पहले बताया होता इस पुस्तक को लिखने का मेरा लक्ष्य यही है कि आपका विवाह सुखमय हो शांतिपूर्ण हो यह जरूरी है कि सुखी विवाहों की संख्या बढ़े और तलाकों की संख्या घटे क्योंकि हमारे बच्चे बेहतर दुनिया में जीने योग्य हैं अगर आप इस किताब की पूरी ऑडियो सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं शुक्रिया